हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जेई लाइब्रेरी अनअकैडमी जेई का एक इनिशिएटिव बच्चों, जहां पे आप जेई एडवांस लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है रिफ्रैक्शन का, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, हमने कल स्नेल्स लॉ की कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आई होप आपको मजा आया होगा उसमें। तो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ग्लास स्लैब के कुछ बातें हैं जो कि आपको अपने 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ होंगी। ग्लास स्लैब के बारे में एक प्रैक्टिकल भी होता है, तो वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन में कवर करेंगे। वेलकम एवरीवन, इफ़ यू आर स्पेशली कमिंग ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन साथ में वो दबा देना है। मैं जयंत नागदा, आई एम एन एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैंने क्लास 12th की फिजिक्स आपको पढ़ाने के लिए बीड़ा उठाया है। तो बच्चों, इस इनिशिएटिव को करने के लिए हमको बहुत मेहनत लगती है, उस मेहनत को आप अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इसको शेयर भी करिए, बिकॉज अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुँचेगी, ये हमारा मिशन है। और ये अगर आप इसको, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, हम कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट बहुत लिमिटेड है। तो अगर आप लोग इसको अभी कॉपी करेंगे, इस वीडियो को अभी का अभी कॉपी करिए, लिंक को कॉपी करके अपने फेसबुक वॉल पे आप वहाँ पे मुझे टैग करके भी पोस्ट कर सकते हैं। तो डू दैट, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। वी हैव बिकम अ 4 लाख, क्लोज टू 4 लाख स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस इन दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सभी को। और बच्चों, आपको मालूम होगा किस तरह से हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसी तरह से प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे इसी तरह के लाइव लेक्चर्स हैं, इसी तरह यहां पे भी मैं क्विजेस लाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां भी क्विज हो रही है। टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल की अब वहां पे आपको मिल रही है। उसके अलावा जो चीज आपको नहीं आती है वो वहां पे आप लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस में आके पूछ सकते हैं। आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक 7-day ट्रायल भी है, तो उसको एक्सपीरियंस कर लिया है काफी बच्चों ने और देखा है कि किस तरह से एजुकेटर और स्टूडेंट्स का ऑनलाइन में भी इंटरेक्शन काफी पर्सनलाइज रहता है। इनफैक्ट मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहता हूं कि फेस टू फेस से बेटर है कुछ आते ही ऐसी इसकी। तो unacademy.com/plus पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो और काफी अफोर्डेबल प्लान है वहां पे, बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों नहीं देने पड़ रहे आपको। वैसे करोड़ों का सामान है अगर आप मेरे से पूछते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग रह चुके हैं, इतने सारे एजुकेटर, इंडिया के टॉप 50 एजुकेटर्स IIT JEE में पढ़ा रहे हैं, वहां पे अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है उनसे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 1800 पर मंथ, या 2 साल का प्लान अगर आप लेते हो, अगर आपका ये प्लान है कि चलो मैं एक बार 5 महीने प्रिपेयर करके देखता हूँ, नहीं तो 1 साल ड्रॉप भी ले लूंगा, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, तो 2 साल का जो प्लान है वो और भी सस्ता 1500 पर मंथ पे आपको मिल जाएगा। जेई लाइव कोड जरूर यूज करना, इस कोड को आपको वो चेकआउट करते टाइम पे लगाना है, आपको वो 10% ऑफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जेई लाइव कोड यूज करके आप इसको, और वहां जाके आप क्या देखेंगे कि हम वहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज और बैच कोर्सेज ले रहे हैं। तो बैचेस में जिस तरह से आप 11th-12th के बैचेस में जाके पढ़ते हो, तो वैसे ही बैच कोर्सेज हैं। कई बच्चों ने जो ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फिर भी प्लस ले लिया है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, वन थिंग, एंड बिकॉज उनके जो इंस्टीट्यूट में, वो कंपेयर करके भी कई बार बोलते हैं सर हमने तो गलती कर दी, बट उनके इंस्टीट्यूट में ऐसे ब्रिलियंट है ना ऑल इंडिया के एजुकेटर्स अगर नहीं है तो वो वहां पे आके पढ़ रहे हैं हमसे। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप लैपटॉप पे नहीं है तो कई बच्चे वहां पे मोबाइल से भी आके इंटरेक्ट कर पा रहे। सो अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, उस लर्निंग ऐप में आप डाउनलोड करने के बाद प्लस सेक्शन में जाके आप गेट सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पे IIT JEE नहीं, नीट की फाउंडेशन 9th-10th के बच्चे भी वहाँ पे आ चुके हैं काफ़ी सारे, और बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है अनअकैडमी की इस ऐप पे, दिस इज IIT JEE इज जस्ट वन ऑफ देम। और अगर आप JEE टारगेट रखते हैं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है कि यू कैन हैव अ 7-day ट्रायल, 7 दिन का आप ट्रायल पीरियड कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कैसे क्लासेज हो रही है, कैसे क्विजेज होती है। और अगर आपको पसंद आता है तो एज आई सेड, 1 साल का प्लान आपका 1800 पर मंथ और 2 साल का आपको 1500, यानी कि 50 रुपए प्रतिदिन में पड़ रहा है यार। तो जेई लाइव कोड से एनरोल करना, इससे हमें पता चलता है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और हम आपका बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ द डे। यहां पे आपको याद होगा कल अपने स्नेल्स लॉ के कुछ पर्टिकुलर केसेस किए थे। स्नेल्स लॉ तो मालूम ही है,
इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। और स्नेल्स लॉ में एक केस बना था बच्चों थर्ड, जिसमें अगर लाइट रे आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, ये वाला आपका बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इसमें इस तरफ जो मीडियम है ऑप्टिकली डेंसर है, जैसे वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, उससे एयर में अगर आपकी लाइट रे जा रही है तो उस सिचुएशन में अपन स्नेल्स लॉ तो लगाएंगे, लेकिन डेंसर से रेयरर में मतलब कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, इंसिडेंट रे का जो आपका मीडियम है वो म्यू वन है, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम म्यू टू है। ओके जी, तो आपका अगर म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है उस सिचुएशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आर, है ना जी, या साइन आई मस्ट बी लेसर देन सॉरी साइन आर, ऐसे मैं लिखूंगा इस चीज को। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो उसी को अगर अपन साइन आई लेसर देन साइन आर को, अगर आई लेसर देन आर, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे लिखूं तो आई लेसर देन आर, ये अपन कल डिस्कस कर ही रहे थे, मतलब क्या हुआ कि आपका आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, सो दिस लाइट रे वुड हैव गॉन लाइक दिस, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये थोड़ी सी इधर बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बात अपने को सिंपल सी मालूम है इस सिचुएशन में, डेंसर से रेयरर के केस में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आई ग्रेटर देन आर है तो बच्चों अगर मैं इसको आई को बढ़ाते जाता हूं तो एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब आपका आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पिक्चर? आपका अगर डेंसर से रेयरर में लाइट रे जा रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो आपको अगर ये इंसिडेंस रे एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो एक पॉइंट जरूर आएगा जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पाई बाई टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी लेस देन पाई बाई टू रहेगा। तो ये मैथमेटिकली इफ आई हैव दिस सिचुएशन जिसमें अगर मैं आई और आर को बढ़ा रहा हूं, लेट्स इंक्रीज आई, ऑफकोर्स करस्पॉन्डिंग आर वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन पहले कौन 90 डिग्री पे पहुंचेगा? आपका आर वैल्यू 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा क्योंकि हमेशा आर इज ग्रेटर देन आई वाली सिचुएशन है। तो ये अगर आपको बात समझ में आ रही है तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन सबसे काम की है अपने, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल सी चीज है। एक आपका अगर ऑब्जेक्ट से निकलती हुई लाइट रे इंसिडेंट लाइक दिस है, ये कौन सा केस है बच्चों? कमेंट्स में जरूर लिखना ये कौन सा केस है, कल अपन ने डिस्कस किया था, दिस इज द केस नंबर वन ऑफ स्नेल्स लॉ, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। एक वर्ड अपन ने नॉर्मल इंसिडेंस यूज क्यों किया था बच्चों? क्योंकि ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, और नॉर्मल इंसिडेंस में आपका आई जीरो होता है और करस्पॉन्डिंग आर भी जीरो होता है, मतलब कि इस तरह से विदाउट बेंडिंग विदाउट रिफ्रैक्शन ये लाइट रे ऐसी की ऐसी निकल पड़ती है, ठीक है, जैसा आया वैसे ही चला गया, कट लिया। और लेकिन यहां क्या हो रहा है कि आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन लिखना सही रहेगा, बिकॉज ये डेंसर से रेयरर वाला केस की ही बात कर रहा हूं मैं, आज स्पेशल केस नंबर थ्री की अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने थीटा वन को बढ़ाया, थीटा टू यहां पे आप देख पा रहे हो कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस पर जो थीटा वन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है क्या हम उसको निकाल सकते हैं? क्या हम उस पर करस्पॉन्डिंग थीटा वन की वैल्यू स्नेल्स लॉ से बिल्कुल निकाल सकते हैं? तो उस थीटा वन की वैल्यू को बच्चों एक नया नाम, एक स्पेशल नाम अपन थीटा सी बोलेंगे, ठीक है। और ये थीटा सी पे अगर ये लिमिटिंग केस ऐसा हो रहा है, और सोचो आप थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, अगर आप थोड़ा सा और एंगल थीटा वन को बढ़ा दोगे तो क्या होने वाला है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वहां पे रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा, और एक कंसेप्ट है TIR, उसी को अपन आज शुरू के लेक्चर में, शुरू के पार्ट में ये पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आपने 10th क्लास में भी TIR थोड़ा पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको वो एक बार रिफ्रेश करवा देता हूं। तो मैं इस तरह से एंगल में बढ़ाते जा रहा हूं, बेसिकली बात ये कि वाटर से एयर में लाइट रे जा रही, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है पर एक पॉइंट पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी, एक पॉइंट पे 90 डिग्री, और उसके बाद और बढ़ाने पे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट रे, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में अगर चली जाएगी, और एक स्पेशल एंगल जरूर आएगा जिस पे 90 डिग्री हो जाएगा आर। एक तो आपको ये समझना है आर कब 90 डिग्री होगा, और उसके बाद वाली पॉइंट पे, है ना, आई इक्वल टू थीटा सी पे ऐसा होगा, और आई ग्रेटर देन थीटा सी के लिए आपका
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये आई इक्वल टू थीटा सी, और इसके बाद क्या होने वाला है आपका आई ग्रेटर देन थीटा सी के लिए। तो टी आई आर आपको इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस पर थोड़ा सा अपन डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पे देखना, ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, मतलब कि आपका म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू है। ओके जी, अगर ऐसा है तो क्या आर की वैल्यू पाई बाई टू कब होती है, वो एंगल हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट दैट यूजिंग आवर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था यार, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, है ना जी। तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, इनफैक्ट आर की वैल्यू अपने को मालूम है पाई बाई टू रखनी है, तो क्या मैं करस्पॉन्डिंग साइन आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो आई इज इक्वल टू, है ना, या साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, एक तो ऐसे लिखना साइन आई इज इक्वल टू दिस, या फिर आप लिखिए आई इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस एंगल को अपन एक स्पेशल नाम दे देते हैं थीटा सी, एंड दैट इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन। साइन को उधर फेंक दिया तो वो इनवर्स में ऐसा आ गया, तो साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन आपको एक पर्टिकुलर एंगल देगा जिसको अपन अभी तक थीटा सी बोल रहे हैं। और ये थीटा सी एंगल निकालने के, है ना, बहुत सारे तरीके आपको अलग अलग बुक में ऐसे म्यू टू बाय म्यू वन दिया होगा। हाँ, कहीं पे अगर म्यू वन बाय म्यू टू दिया है तो ध्यान रखना कौन सा म्यू वन है कौन सा म्यू टू है। बच्चों एक जनरल इस तरह से अपन लेते, जिस रे जिस मीडियम से एंटर कर रही, इंसिडेंट रे का मीडियम म्यू वन है, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम म्यू टू है ना जी। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना, वरना वो म्यू की वैल्यू में, या फिर आप ऐसे समझो कि म्यू डेंसर मीडियम का और म्यू रेयरर मीडियम में जा रहा है लाइट रे। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो स्नेल्स लॉ से आप साइन आई बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू के बजाय, है ना, आप म्यू रेयर बाय म्यू डेंस लिख दोगे, तो ये साइन ऑफ थीटा सी ये वैल्यू भी आ जाएगा। इसी से आपको थीटा सी फिर से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर डिवाइडेड बाय म्यू डेंसर। ओके जी, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का। तो ये जो थीटा सी अपन बोल रहे हैं इसको अब से अपन क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इसके नाम में जैसा प्रतीत हो रहा है कि क्रिटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जब यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा भी और बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी तो फिर भी रिफ्रैक्ट हो रही है, ये एक लिमिटिंग केस है, ये एक आपका बाउंड्री केस है जिसमें कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया है और लाइट रे जस्ट आपकी बाउंड्री के अलोंग ही रिफ्रैक्ट हो गई है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का ये बाउंड्री केस है। तो इस केसेस में, अच्छा मोस्ट केसेस में आपका एयर एक मीडियम होता है, रेयरर मीडियम इनफैक्ट एयर होता है, तो उस केस में इसको अगर वन रख दिया, मैंने न्यूमरेटर को वन रख दिया और डिनोमिनेटर को म्यू रख दिया, म्यू डेंस को म्यू बोल दिया, तो ये एक फॉर्मूला भी आप देखेंगे काफ़ी बुक्स में। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, स्नेल्स लॉ से ही आ रही है, बट इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लो, इसके एप्लीकेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो लाइट रे को जब आप ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, सो दिस इज द डायरेक्शन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, पर एक पॉइंट आएगा जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद से आफ्टर दैट जिस भी एंगल पे आप, है ना, उसके बाद वाले एंगल पे अगर आप इंसिडेंट करवाएंगे तो वो आपका टी आई आर हो जाएगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा लाइट रे। तो मिनिमम एंगल जिस पे ऐसा हो पा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है बाउंड्री वाला जिसमें अपन, तो ये एक और इलस्ट्रेशन है, एनिमेशन है, इसके ज़रिए मैं बता पा रहा हूँ। काफ़ी सालों से जब हमने इस तरह से पढ़ाया था बोर्ड पे ड्रॉ करके, और कई बार फील नहीं आती थी यार, तो फील लेने के लिए आप बिल्कुल इस तरह के एनिमेशन इस चैनल पे रेगुलरली आप देख रहे हैं। और अगर फील आ रही है तो यहाँ पे देखना आपकी इंसिडेंट रे रेड वाली, उसकी एंगल अगर आप, है ना, बढ़ा रहे हो, नॉर्मल के केस में नॉर्मल, बट एंगल अगर आप बढ़ा रहे हो तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही, ग्रीन वाली इज द रिफ्रैक्टेड रे, पर एक लिमिट तक ही आपका रिफ्रैक्शन हो सकता है। ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, तो एक लिमिट तक ही आप देख पा रहे हो, है ना, एक लिमिट तक ही आपका ग्रीन वाला जो लाइट है वो जा पाएगा, 90 डिग्री तक जा पाएगा, और वो पर्टिकुलर एंगल को अपन क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद में क्या हो रहा है, रेड वाली लाइन को अगर मैं बढ़ाते बढ़ाते क्रिटिकल एंगल के आगे ले गया तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये बात आपको समझ में आ ही रही है तो बस आप ये वाली सिचुएशन को समझो, ठीक है।
अब इसको पूरा जो अपन ने डिस्कशन किया है उसको एक साथ ले आते हैं कि क्या हो रहा है अल्टीमेटली। अगर आपका लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम से जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा सी से ज़्यादा है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो वो स्नेल्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, मतलब कि नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन का मतलब ही है कि सेम मीडियम में टर्न कर गया, अपन ने देखा ही था। तो इस तरह से अगर आपका वही मीडियम में फिर से वापस आ गया, उधर जाने वाला था पर जाने नहीं दिया, यहाँ पे बाउंड्री ने बोला फिर से आ जा, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम में ही जाना है, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम के लिए ही ऐसा होगा। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रखेंगे क्रिटिकल एंगल्स में तभी ऐसा होगा। ये दो कंडीशंस है एक्चुअली, है ना, ये दो कंडीशंस है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर दूसरे केस में तो क्यों नहीं होगा, तो स्नेल्स लॉ का केस नंबर टू याद करो बच्चों, स्नेल्स लॉ का केस नंबर टू याद करो। केस टू ये था कि अगर आपका μ1 lesser than μ2 है, यानी कि आपकी लाइट रे जा रही है आपकी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर में अगर जा रही है लाइट रे, तो उस केस में आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी 90 डिग्री हो सकती है, फिर भी रिफ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि R विल बी लेसर देन, एंड देर विल ऑलवेज बी इन दिस सिचुएशन, हमेशा, ये तो अपन ने कल पढ़ा ही था, हमेशा ऑलवेज देर विल बी रिफ्रैक्शन। अगर ये बात आपको मन में कहीं, मैंने जान ली क्योंकि देखो हर साल पढ़ाते हैं ना ये सारी चीज़ें, अगर हम हर साल पढ़ा रहे हैं इतने सालों से और खुद भी एग्जाम क्रैक किया है तो ये सब पता ही है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। तो वो भले ही हमारे बीच में कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, बट बच्चों ये वाली केस में ऑफकोर्स हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं कि किस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है आपका डेंस से रेयर के केस में। और अगर ये केस में अगर ऐसा हो रहा है तो कब हो सकता है, दो कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ डेंसर से रेयर नहीं, सिर्फ ये कंडीशन नहीं, साथ साथ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा है तो उस केस में नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप ये सारी चीजें बच्चों दिमाग में समझ लो। जैसे मैंने क्लास 12th में क्या किया था, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस बहुत स्ट्रांग है और अगर आपका CBSE बोर्ड है और अगर इंग्लिश मीडियम है ना, जो ज्यादातर बच्चों का होता है हिंदुस्तान में यही स्थिति है, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू CBSE एंड राइटिंग द एग्जाम्स इन इंग्लिश। तो बच्चों अपने को देखो, मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही था, मुझे बहुत फोड़ू इंग्लिश आती नहीं थी उस समय, और मैंने ये चीज डेवलप करी कि जैसे मैं आपको कई बार क्लास के दौरान इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पे ये दिलाता हूं कि यहां पे ध्यान दो इस वर्ड पे, है ना, वो थोड़ा थोड़ा सीखो यार, क्योंकि क्या होगा आपको ये कंडीशंस दिमाग में ध्यान में रहेंगी, ठीक है, और आप उनको जंबल करके वर्ड्स में, अलग अलग वर्ड्स में इनफैक्ट लिख सकते हैं दो तीन तरीकों से, तो आपका जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा बच्चे को आता है और उसने दोनों कंडीशंस मेंशन करी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली 12th बोर्ड के एग्जाम में कितनी हेल्प करेगी, इस वजह से मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको आई होप ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में भी आ रही है, साथ साथ आपको TIR की डेफिनेशन कैसे है खुद बना के लिख देनी है वो भी मैं फंडे बता रहा हूँ। तो बस बने रहिए इस चैनल पर, रेगुलरली आओ बच्चों, कोई ऐसी बात नहीं है। जो नए लेट आए हैं, जो बच्चे लेट आए हैं, ये चैनल हमारा अप्रैल से चालू है, रेगुलरली हम आपको कंटेंट दे रहे हैं इस चैनल पे, क्वालिटी कंटेंट ऐसा दे रहे हैं। ये चीज़ अगर आप बाद में PDF में पाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ये प्रिंट करके कई बच्चे लगा लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड कि ये आपको रिवीजन क्विकली करने में, पर मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्टली भेजे में जाने दो, दिमाग में इस चीज़ को डायरेक्टली जाने दो, इसमें ऐसे कोई रटने वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, नॉट डेंसिटी वाइज अपने को नहीं देखना है ना, ये कल मैंने आपको बात क्लियर की थी। तो कंडीशन ऑफ TIR दोनों ध्यान में रखनी है कि आपका एक तो डेंसर टू रेयर नंबर वन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी। थीटा सी क्या चीज़ है, और जैसे मैंने कहा अलग अलग वाक्यों में
आप अपनी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही, मज़ा आ रहा है इस चैनल पे पढ़ने में, तो और मज़ा बस लेते रहिए इस तरह से। कुछ एग्जांपल मैं देके बता रहा हूँ TIR कैसे होता है आपको ग्लास के केस में। बच्चों ग्लास के केस में अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कल डिस्कस किया था, 3/2, 1.5 अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप ले सकते हैं 1.5, ग्लास के केस में स्टैंडर्ड है। और थीटा सी की वैल्यू उस केस में अगर साइन इनवर्स 2/3 आप निकालो, थीटा सी समझ रहे हो है ना, साइन इनवर्स 1/μ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एयर ग्लास इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान रखना एयर है अगर दूसरी चीज़ तो आपका ग्लास का या किसी भी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, तो थीटा सी का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ 1/μ ये आप लगा सकते हैं। तो अगर ये मैंने लगाया यहाँ पे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 42 डिग्री आ रही। मतलब क्या है कि ग्लास के केस में 42 डिग्री तक तो रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद TIR होगा। समझ रहे हो ये बात, ये रिफ्रैक्शन का केस है, ये नॉर्मल इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन, ये थीटा सी, और इसके बाद सारे पॉइंट्स पे आपका TIR हो रहा है। तो ये हो रहा है ग्लास और एयर के इंटरफेस के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर के केस में क्या हो रहा है, एयर और वाटर के केस में अगर आपका वही है थीटा सी का वैल्यू आप निकालोगे फॉर्मूले से 49 डिग्री आएगा। वाटर के केस में क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है ग्लास से क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर है ना ग्लास से, ये बात समझ में आ रही है। तो ग्लास के केस में अपना 42 डिग्री आ रहा था बट वाटर के केस में 49 डिग्री आएगा बिकॉज वाटर का थोड़ा सा आपका 1.33 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो नेवर्थलेस आप अगर वाटर से जा रही है रे एयर में तभी होगा, पहली बात तो तभी होगा TIR। और कब होगा, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा सी से ज़्यादा है। यहाँ पे ये वाला एंगल, ये लाइन का एंगल मैंने क्या बोल रखा है, दिस इज थीटा सी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 49 डिग्री वैल्यू होता है इस केस में। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है सीखने को है ना, विजुलाइज करने को अगर मज़ा आ रहा है, तो इस तरह की नॉलेज को आपको सभी लोगों को बताना है। यू लेट एवरीबडी नो कि ऐसा होता है, ऐसे पढ़ा जाता है, आजकल इंडिया इसी तरह पढ़ रहा है बच्चों। तो आप भी इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, नए बच्चे जो हैं और रेगुलरली पढ़ो। डायमंड एक बहुत ही पर्टिकुलर केस है TIR में, डायमंड तो पढ़ना ही है भाई। और डायमंड के लिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है काफ़ी कम होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी ज़्यादा होता है, या एंगल थीटा सी क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है। आप देखेंगे डायमंड के लिए 24.4 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल है, मतलब ज़्यादातर एंगल्स के लिए TIR हो जाएगा, बस एक छोटे से मार्जिन के लिए आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट अगर डायमंड के अंदर है तो वो एयर में जाने की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। अगर आप कंपेयर करो वाटर वाली केस और डायमंड वाली केस, तो ये मार्जिन बहुत थिन है बच्चों, ये मार्जिन आपका अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्रीज है। तो इतने में पूरे एंगल में है ना आपका रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, TIR होगा। और TIR होगा तो मतलब डायमंड कैन ट्रैप द लाइट रे वेरी वेल एज कम्पेयर टू वाटर, एज कम्पेयर टू ग्लास ऑल्सो आप डायमंड को प्रेफर करेंगे अगर लाइट को ट्रैप करना है। तो ये एक एप्लीकेशन है बिल्कुल TIR की, एक एप्लीकेशन है कि किस तरह से डायमंड जो काफ़ी अच्छे से शाइन करता है, अपने को पता ही है कि डायमंड की क्या वैल्यू है, वाई इज डायमंड सो कॉस्टली है ना, ये सारी चीज़ें। अल्टीमेटली तो कांच का टुकड़ा है, कैसे दिख रहा है, इट्स अ पीस ऑफ कार्बन इन फैक्ट राइट, बट वाई इज दिस, वाई इज इस जिफ को देखो, वाई इज दिस सो पॉपुलर। हाँ जी, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है, और ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में नहीं होता है। तो अगर क्रिटिकल एंगल कम है, वॉट एवर लाइट इज कमिंग इन उसके बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो बहुत सारे अंदर ही TIR हो जाएंगे। देखो अलग अलग पॉइंट से अगर अपन लाइट फेंक रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो अंदर ही TIR हो रहा है, अंदर ही ये डिस्पर्जन भी हो रहा है। डिस्पर्जन भी एक लेक्चर में मैं कवर करूंगा कि अलग अलग रंग दिख रहे हैं, वाइट लाइट फेंक रहे हैं अंदर और अलग अलग रंग दिख रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग फिनोमिनन है। अभी के लिए अपन TIR पे फोकस कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव अ वेल कट डायमंड, इफ़ यू हैव अ वेल कट डायमंड, तो बहुत सारे अंदर ही लाइट रे मल्टीपल TIRs कर लेगी और इस तरह से वो ज़्यादा जगमगाएगा। अगर आप इस बात को थोड़ा सा गहराई में सोचें कि अगर मेरे पास डायमंड की शेप ऐसी है, जो डायमंड की शेप ऐसी है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा सी से कम है, तो रे तो एज इट इज गुजर जाएगी,
लेकिन अगर मैं डायमंड बना रहा हूँ, अगर मैं डायमंड को जो वो कारीगर होते हैं सूरत में काम करते हैं बहुत ही ध्यान से तराशते हैं, तो इफ़ यू हैव अ वेल कट डायमंड, बहुत ही गहराई से अगर आपने बनाया, सोच समझ के बनाया, तो ये शेप होती है। ये शेप क्या इंश्योर करती है बच्चों, कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका थीटा सी से ज़्यादा हो, है ना। थीटा सी से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे TIR हो जाएगा, और जितनी लाइट अंदर रह जाएगी कि जितने सारे TIR हो गए उतना जगमगाएगा वो ग्लास का पीस। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। सो दिस इज़ वन एप्लीकेशन वेयर TIR अपन देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने किस वजह से। एक अच्छा डायमंड है ना, जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा उसके कैरेट ज़्यादा होंगे, समझ में मेरी बात। क्रिटिकल एंगल जिसका कम होगा, कम क्रिटिकल एंगल मतलब ज़्यादा TIR की संभावना, और उस केस में उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती, बिल्कुल। तो ये अलग अलग कैरेट की भी अलग अलग है ना म्यू वैल्यू होती है, अलग अलग थीटा सी वैल्यू होती है, इस वजह से अलग अलग रेट होती है भाई। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट थीटा सी एज वेल एज हाउ वेल द डायमंड हैज़ बीन कट। क्या अच्छी शेप में काटा है, क्या ऐवे ही काट दिया, उस पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल। तो एक क्रूड टुकड़ा होगा जो डायमंड का, वो उतना जगमगाएगा नहीं। और एक और एप्लीकेशन जो आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, कि ऑप्टिकल फाइबर्स में द लाइट रे इज एबल टू ट्रैवल। देखो, लाइट रे वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा अपन एक मैकेनिज्म बना सकते हैं जिसमें कर्व्ड भी हो, अगर इस तरह से फाइबर्स कर्व्ड भी हो तो उसमें भी लाइट रे ट्रैवल कर सकता है। हाउ कैन द लाइट रे ट्रैवल इफ लाइट ट्राइज टू एस्केप एट वन पॉइंट। अगर लाइट ट्राई भी कर रहा है एस्केप करने की, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका थीटा सी से ज़्यादा होगा, और मोस्टली होगा ही बिकॉज ये जो आपका फाइबर का साइज है बहुत ही कम होता है, और लाइट रे ऑलमोस्ट मतलब 90 डिग्री एंगल से क्लोज पे उस पर टकराती है, तो ये तो बहुत ही आसान की से इसमें सारी की सारी लाइट रे आपकी इस तरह से, जिस तरह से ये फ्लैश मूव कर रहा है, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है, और आपको एक ऑप्टिकल फाइबर में कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फाइबर कैसे लाइट की स्पीड से आपके कम्युनिकेशन सिग्नल को पहुंचा रहा है, तो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स अब लाइट की स्पीड से पूरे हिंदुस्तान में भी पहुंच रहे हैं, समझ रहे हो, और फाइबर की वजह से ऐसा पॉसिबल है। सो ऑप्टिकल फाइबर में TIR हो रहे हैं बहुत, है ना, बाउंड्रीज पे TIR हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज यहाँ पे ये वाला मीडियम जो होगा डेंस होगा, यहाँ पे अंदर वाला मीडियम डेंस होगा, यहाँ वाला रेयर होगा, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है बच्चों। तो अगर आपने ये सिचुएशन पढ़ी भी है 10th क्लास में तो बहुत बढ़िया, पर यहाँ पे हमने विजुलाइज करके इस तरह से बताइए। एक और एप्लीकेशन होती है, सो यू कैन ट्रैप द लाइट रे इन दिस वाटर का स्ट्रीम, है ना, इस लेज़र को, ये एक एक्सपेरिमेंटल लेज़र लाइट को अगर आप बॉटल पे फेंकेंगे, बॉटल के एक होल से अगर पानी गिर रहा है तो वो लेज़र लाइट पानी के अंदर अंदर ही रहेगी, क्वाइट मच लाइक ऑप्टिकल फाइबर। आपका ये जो लेज़र लाइट है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए था, बट क्या ये ट्रैवल कर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि इस तरह से आपका बेंडिंग हो रहा है अंदर ही अंदर, है ना, इस तरह से ये TIR कर रहा है। तो अगर आपको ये सारी एप्लीकेशन समझ में आ रही है और मज़ा आ रहा है तो लाइक करना और इस ज्ञान को शेयर भी करना यार पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ। एक गरीब से गरीब बच्चा भी इस चीज़ को देख पाए, अचंभित हो पाए, समझ पाए, और अल्टीमेटली उसके अंदर आकांक्षा होगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ तो करूं। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका गरीब का बेटा हमेशा गरीब रहे, किसान का बेटा हमेशा किसान बने, क्या पता उसको एक इंजीनियर बनने की तमन्ना है अंदर से। तो अगर ऐसा है, वी वॉन्ट दिस एजुकेशन टू रीच आउट टू सच पीपल, ऐसे लोगों को आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता इनफैक्ट, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसे बच्चे हमारे इस चैनल से पढ़ के किसी दिन अपने फेवरेट ब्रांच में, फेवरेट उनका जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाएं और अपने जीवन को सवारे, अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जस्ट वन सिंगल पर्सन, बच्चों अगर एक इंसान की भी ज़िंदगी सुधर जाती है तो आपको पता होना चाहिए उसकी सात पीढ़ियाँ सुधर जाती है और गरीबी से बाहर निकल आती है। तो ये हमारा एक विजन है इस चैनल को रन करने का, कि हम दिल से पढ़ाएंगे, खुले दिल से पढ़ाएंगे, आप भी हमारे इस मिशन को सपोर्ट करिए, दिस विल बी वेरी वेरी मच appreciated from your side. Thank you so much, everyone. So coming back to this, these are the three applications I've discussed: diamond, optical fiber. और भी बहुत सारी होती है बच्चों, जैसे कि आपको याद हो जो आपके सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आजकल जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू सी समथिंग,
है ना, कि अंदर क्या चल रहा है आपकी ह्यूमन बॉडी में, तो एक नली घुसा देते हैं और वो जाके देखता है आपके स्टमक में क्या चल रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स लाइट जो जहाँ पे भी एक लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल नहीं कर रही है उस केस में इस तरह की एप्लीकेशंस आप यूज़ कर पा रहे हो। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन को मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसके आंसर निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा और ये बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है, बट ट्राई दिस राइट अवे। एक बार इसको पढ़ के अच्छे से ट्राई करना आप, और MCQ टाइप है, ABCD आंसर कमेंट्स में लिखना। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम मैंने दे रखा आपकी सहूलियत के लिए, कई बार डायग्राम नहीं भी दिया होता है बच्चों, है ना। तो सोर्स आपका पॉइंट सोर्स मान लो, सोर्स से निकलती हुई ये इंसिडेंट रेस, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस तो एज इट इज निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला है ना रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा होते होते एक पॉइंट पे TIR हो गया, ठीक है जी। तो TIR हो रहा है, लेकिन अपने को क्या किस तरीके की लैंग्वेज लिखी है। तो बच्चों अगर आपने एक पर्टिकुलर डेप्थ एच पे एक लाइट का सोर्स रख दिया है, सपोज पानी में, सपोज अंडर वाटर एक लाइट का पॉइंट सोर्स लैंप आपने रख दिया है, आप अगर कहीं पे देखे होंगे फंवारे वगैरह उनके बीच में है ना, लैंप अगर रखा होता है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर लैंप रखा है तो उससे निकलने वाली सारी रेज एयर में नहीं जा पाती है। ऑफकोर्स कुछ रेज होंगी जो इस तरफ अगर इंसिडेंट हुई है तो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर से एयर में आने की कोशिश कर रही है। सो लाइट कैन बी सीन कमिंग फ्रॉम अ सर्कल ओनली, यू गेट इट, समझ आ रहा है। आपकी लाइट रे यहाँ एस्केप कर पा रही है, सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ के बाद लाइट रे एस्केप है ना नहीं कर पा रही है, इससे पहले जो भी लाइट रेज जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है उसको मैंने आर मान लिया, तो इस आर रेडियस का एक सर्कल होगा, इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस, इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस, जिससे लाइट रेज आपकी बाहर आ पा रही है, ठीक है। और दैट लाइट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम अ सर्कल, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो मैं इसको विजुअलाइज कराऊंगा, पर इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से करते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, है ना, ये आपको क्वेश्चन पूछा है अगर मैंने, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री, पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सिर्फ ज्योमेट्री से अपन कर रहे हैं, ये एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये लिमिटिंग केस है, ये एंगल थीटा सी है, सपोज जस्ट थीटा सी है, मतलब थीटा सी पे 90 डिग्री हो जाता है, बट जस्ट थीटा सी से जरा सा ज़्यादा है, तो ये केस में अगर आप ये एंगल थीटा सी बोल रहे हो, तो कैन आई राइट आर डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू टैन थीटा सी, नंबर वन। और थीटा सी की वैल्यू आपको साइन थीटा सी तो मालूम ही है बच्चों, 1/μ, ये म्यू वाटर का, ये 1 एयर वाला आई थिंक 1 दे रखा है, यस। तो अगर आपको ये मालूम है कि साइन थीटा सी 1 है, 1/μ है, तो टैन थीटा सी कितना होगा, इसे निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स हाइपोटेनस से बेस निकालना तो आता ही आप लोग को, और आर इज इक्वल टू यहाँ से एच टैन थीटा सी लिखना, यानी कि एच इंटू टैन थीटा सी को मैंने लिख दिया 1/√μ²-1। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई थिंक इट इज सेफ टू राइट दैट एच बाय म्यू स्क्वायर माइनस वन, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, वेरी वेल, जिन्होंने ये लिखा है बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों, इस तरह के कुछ सिंपल से TIR पे बेस्ड क्वेश्चंस, इनफैक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, अगर आप अंदर सोर्स रख दोगे, अंदर अगर आप सोर्स रख दोगे तो बाहर आपको एक सर्कल के थ्रू लाइट रे दिखेगा, उसी का उल्टा भी बच्चों, उसी का उल्टा भी। इफ़ यू आर अ फिश, सपोज आप फिश हैं एक, और ये अभी तो नहीं है, चलो अगले जन्म में होगा, बट अभी तो आप डीप सी डाइवर बन सकते हैं। एक डीप सी डाइविंग एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है, अंदर है ना सी के अंदर आप चला देते, वो मास्क वगैरह पहन के चले जाते हैं। तो एक डेप्थ में अगर आप पहुंच गए तो कुछ लाइट रेज आप तक पहुँच रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये एक लाइट रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा सी है। बच्चों उल्टा हो गया जस्ट आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वही इक्वेशन स्नेल्स लॉ की यहाँ भी फॉलो हो रही है, बट यहाँ पे मैं जस्ट पिछले केस का उल्टा ले रहा हूँ कि ये जो फिश देखेगा,
ये फिश क्या देख सकता है? एक पर्टिकुलर सर्कल के थ्रू लाइट आती हुई सिर्फ वही देख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लाइट रे एंटर करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसका जो एंगल है, समझ रहे हो, उसका जो एंगल है उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से इट वोंट बी एबल टू एंटर। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ से कोई लाइट रे आ रहा है और वो एस्केप करना चाह रहा है इनटू एयर, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में एस्केप करना चाह रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो इस फिश को क्या दिखने वाला है, इस फिश को इस पॉइंट के उस तरफ सिर्फ सी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, एक ऑब्जर्वेशन है, TIR पे बेस्ड ही है कि अगर आप फिश है, अगर आप एक डीप सी डाइविंग करते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट है, सी के अंदर चले गए, तो लाइट आपको एक सर्कल से आती हुई दिखाई देगी। आपने आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, और फोटोग्राफी में भी बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ बनती है, इस तरह का एक हेलो सर्कल बनता है। तो वो सर्कल क्यों बन रहा है बच्चों? क्योंकि स्काई से जो लाइट आ रही है ओनली पार्ट ऑफ इट इज एबल टू एंटर इट, है ना। एक और एक यहाँ पे विजुलाइजेशन मैंने बताई है कि अगर आपको ये स्विमिंग पूल के अंदर मैंने रख दिया स्विमिंग पूल के अंदर मैंने आपको बिठा दिया है, तो आपको क्या दिखने वाला है? आपको एक सर्कल के थ्रू ही लाइट अंदर आती हुई दिखी देगी, है ना। एक सर्कल के थ्रू लाइट जो आपके स्विमिंग पूल के ऊपर सपोज लगा रखी थी ये लाइट्स, वो दिख रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है? What is all this? ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये जो लाइन्स ऐसे बनी हुई है, क्योंकि ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, IIT बॉम्बे में भी था ये, तो अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ से लाइट रे इधर से स्टार्ट करके रिफ्लेक्ट अंदर ही हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या देख रहे हो? ये स्विमिंग पूल के फ्लोर की रिफ्लेक्शन देख रहे हो, पूरे स्विमिंग पूल के फ्लोर की आप रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो यहाँ 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 पे, और बाहर का आप नज़ारा सिर्फ एक सर्कल के थ्रू, सर्कल का जस्ट ये पार्ट है कि ऊपर स्विमिंग पूल के ऊपर क्या क्या लाइट्स है वो देख पा रहे हो। तो ये बात समझ में आ रही, पूरा फ्लोर आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये अगर सिचुएशन है जिसमें स्काई से जो लाइट रे आ रही है, स्काई से जो बादल दिखेंगे, सन दिखेगा, उसका एक पार्ट ही दिखेगा, आपको सब कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपकी मछली रह रही है, इस तरह से अपन डीप सी डाइविंग करके देख सकते हैं, बट मैंने आपको थोड़ा विजुलाइज करना है ना, टेक्नोलॉजी के वजह से ही ये पॉसिबल है बच्चों। तो बी थैंकफुल टू दिस एंड बी थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी यूट्यूब। तो इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हो उस कंसेप्ट को, तो एक छोटा सा और कंसेप्ट है जिसपे मैं आना चाहूँगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक और चीज़ है आपके सिलेबस में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है? अगर आपने एक्सपेरिमेंट 12th क्लास का कल कर लिया ऑलरेडी, तो बहुत ही बढ़िया, आपको पता होगा ये क्या चल रहा है। और नहीं किया है तो इस तरह का बच्चों रेक्टेंगल शेप में ग्लास का एक टुकड़ा है, उसमें अगर आप लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसी हो जाएगी। यहाँ देखना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप स्नेल्स लॉ की मदद से निकालेंगे। सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ म्यू है, यहाँ फिर से 1 है, तो आप क्या लिख पाएंगे? साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, यस और नो? और उस सिचुएशन में आर की वैल्यू आपकी आई से कम आएगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, फिर से डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो ये इस तरह से लाइट जो आपका है और ये एंगल सेम होगा। इस तरह से अगर एक ग्लास स्लैब से गुजर रहा है तो इसकी क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या यहाँ पे थ्योरी बनती है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं अगले 5-10 मिनट में। पर इस चीज़ को समझो बच्चों, ये ऐसा क्यों बेंड हो रहा है? व्हाई इज दिस लाइट रे बेंडिंग लाइक दिस? बिकॉज व्हेन अ कार एंटर्स अ खेत, एक खेत है यहाँ पे सपोज, इसमें गेहूं बोया हुआ है, तो अगर ये गाड़ी गलती से खेत में घुस गई है तो खेत में जो स्पीड है गाड़ी की वो कम होगी। भाई रोड पे तो बहुत है ना स्पीड से जा सकता है, बट एज इट एंटर्ड हियर, उसी तरह से लाइट रे जब एक ऐसे मीडियम में एंटर कर जाती जहाँ पे उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम हो जाती, कल अपन ने पढ़ा था, तो स्पीड अगर कम में एंटर कर रहा है ये, तो आपका पाथ कौन सा ये फॉलो करेगा? द पाथ फॉलोड बाय द लाइट रे हैज़ टू बी मिनिमम लेंथ का एक शॉर्टकट ये ढूंढता है कि यार इतनी कम स्पीड हो गई है ना। ये एक प्रूव करने का इनफैक्ट तरीका है। अगर आपने 11th में मुझसे है ना 11th में हम ये डिस्कशन करते थे, एक इरोड़ा का क्वेश्चन भी है कि आप रिफ्रैक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कार ने अगर इस तरह से एक ऐसी मीडियम में एक ऐसी जगह पर एंटर किया जहाँ पे उसका स्पीड कम हो जाता है, ईटा फैक्टर से इरोड़ो का एक क्वेश्चन बनता है, तो वो जो आपका पाथ फॉलो करेगा
है ना, वो मिनिमम टाइम में कवर करना है उसको, तो वो कैसे किस एंगल पे कवर करेगा, ये कुछ क्वेश्चंस बनते थे। तो इस पे अपन वेव ऑप्टिक्स में एक बार फिर से आएंगे, डोंट वरी। बट ये जो चीज़ है ये बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट रे को एक्सप्लेन कर रहा है। बेंड क्यों हो रही है, ये कार बेंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसे पाथ को फॉलो कर रही है जिसमें ये मिनिमम टाइम में ये वाला डिस्टेंस कवर कर पाए। तो अगर इसी तरह से आपकी स्लैब के केस में भी एंगल इस तरह से चेंज हो रही है, तो बच्चों अपन रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसा हो रहा है उस पर एक डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको शायद अपनी 12th बोर्ड की प्रैक्टिकल्स में भी हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो सपोज़ आपका ये ABCD एक ग्लास स्लैब है, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है ये अपने को समझने की अगर ज़रूरत है, तो एक तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती हुई लाइट रे ले रहा हूँ, देखना, विच इज़ फॉलिंग ऑन ए पे वो इस तरह से गिर रही है और वो बी से ऐसे निकल जा रही है। तो ये कौन सी सिचुएशन है, नॉर्मल इंसिडेंस वाली सिचुएशन है आपकी, और इस लाइन के अलॉन्ग अगर आपने एक रे निकाल दी है तो ये एज इट इज़ विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन निकल जाएगी, ठीक है जी। और एक और लाइट रे अपन यहाँ पे लेते हैं, एक और लाइट रे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि सपोज एक पॉइंट पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये लाइट रे के साथ क्या होने वाला है, इस वाली लाइट रे के साथ आपका क्या होने वाला है, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आती है सपोज ये लाइट रे, तो इस लाइट रे के साथ क्या होने वाला है, दिस विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गई सपोज इस तरह से, और इस पॉइंट से है ना दो लाइट रेज मैंने अगर ले ली है, तो ऑब्जेक्ट से निकलती हुई कोई भी दो लाइट रेज को लो और इमेज ट्रेस करने के लिए आप उन दोनों के मीटिंग पॉइंट को देखो। तो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे तो वैसे डाइवर्जिंग हो गई, तो इनका मीटिंग पॉइंट तो कहीं आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशंस में, पीछे इसको एक्सटेंड करने हैं और आपकी इमेज, बच्चों आपकी इमेज कहाँ बन रही है, तो इस पूरे पहली सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ, ध्यान देना इसको थोड़ा सा ध्यान से है ना आराम से चबाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, 5 मिनट लगेगा पर आप इसको ध्यान से फॉलो करना। AC वाले पार्ट की वजह से इमेज जो बन रहा है उसको मैंने आई डैश बोल दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज आई डैश होगा, ऑब्जेक्ट मुझे आई डैश पे दिखेगा, इनफैक्ट अगर मैं अंदर से ग्लास के अंदर से देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ ग्लास के अंदर ही हूँ सपोज मैं, तो मैं क्या देखूंगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये दो रेस का पीछे एक्सटेंशन इस पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ दिखाई देगी, ठीक है जी। तो ए बी पे आपका जो सरफेस, ए सी पे आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन इस प्लेन सरफेस की वजह से हो रहा है। और अगर मैं नियर नॉर्मल कंडीशन को मान लेता हूँ, याद है लास्ट क्लास में अपन ने नियर नॉर्मल यानी कि आप नॉर्मल के आसपास ही रहते हैं, ये दोनों लाइट रेस के बीच में एंगल बहुत ज़्यादा नहीं है, उस सिचुएशन में कैन आई राइट ए आई डैश डिवाइडेड बाई ए ओ इज इक्वल टू वॉट, क्या लिख सकते हैं, लिखना कॉमेंट्स में, ए आई डैश अपेरेंट डेप्थ है ना डिवाइडेड बाई एक्चुअल डेप्थ, और आप कौन से मीडियम में, आप डेंसर वाले मीडियम में, ये बात का ध्यान रखना। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू, इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऐसे बनाई है, किसी को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप ऐसे भी जा सकते हो इंट्यूटिवली, बच्चों इंट्यूशन से भी तो जा सकते हो, ये डिस्टेंस ज़्यादा ये डिस्टेंस कम है, तो ज़्यादा डिस्टेंस बाई कम डिस्टेंस रेशियो क्या आना चाहिए, म्यू आना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आफ्टर गोइंग बैक इन टू द एयर मीडियम फिर से ऐसे हो जाएगी, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंसिडेंट रे आफ्टर गोइंग बैक इनटू द सेम एयर मीडियम सेम एंगल पे हो जाएगी, इसका एंगल और इसका एंगल इनफैक्ट सेम अपने को मानना पड़ेगा, बट इसकी वजह से जो इमेज बनेगी आपकी दो रिफ्रैक्शन की वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी, क्या वो इमेज इस पॉइंट पे बनेगी, क्या वो इमेज इस पॉइंट पे आई बोल दें उसको, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ये रे डायग्राम बनाना, सपोज आपके 12th में बोर्ड में आ गया, पता नहीं ये आजकल आता है कि नहीं, बट मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इस जेई के सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका एक आई पॉइंट पे फाइनल इमेज बन रहा है आपका इमेज का, तो मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस BD सरफेस पे रिफ्रैक्शन की एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, नॉर्मल नियर नॉर्मल को मानते हुए। तो ध्यान देना, B पॉइंट से अपनी फाइनल इमेज I, तो BI डिवाइडेड बाय B, और ये किसकी इमेज है, I पॉइंट किसकी इमेज है,
आई पॉइंट आपकी आई डैश की इमेज है, मेरी बात समझ में आ रही है? आई डैश की वजह से अल्टीमेटली इन दो रेस की वजह से, यानी कि आई डैश ऑब्जेक्ट हो गया सेकेंड सर्फेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, आई डैश इज द ऑब्जेक्ट, आई इज द फाइनल इमेज। कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज जाएंगे, पर आपको पूरा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें इंसिडेंट रेस कौन है। यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उनमें इंसिडेंट रेस आपकी आई डैश से आ रही है, और आई डैश की फाइनल इमेज आई पे बन रही है अगर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी आई, पोल से डिस्टेंस लेते हैं अपन हमेशा, बाउंड्री से डिस्टेंस लेते हैं, इस बात का ख्याल रखें, तो बी आई डिवाइडेड बाई बी आई डैश क्या होगा? कोई लिख सकता है, कोई बोल सकता है? कमेंट्स में जरूर लिखना अपना, ठीक है? बी आई डिवाइडेड बाई बी आई डैश क्या होगा? बी आई डिवाइडेड बाई बी आई डैश, कॉमन सेंस भी अगर यूज करें, बी आई छोटा है, बी आई डैश बड़ा है, तो बी आई डैश बड़ा है तो 1/μ होगा, या फिर कल अपन ने अपेरेंट डेप्थ बाय एक्चुअल डेप्थ का फॉर्मूला लिखा था, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस नियर नॉर्मल ट्रू करके, वही फार्मूला ही है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, ये डेरिवेशन छोटी सी आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है बच्चों, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको परिपक्व बनाती है, कॉम्पिटिशन के लिए तैयार बनाती है। तो ध्यान देना, बी आई को क्या मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? बी आई को मैं टी प्लस ए आई लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बी आई न्यूमरेटर को टी प्लस ए आई डिवाइडेड बाई बी आई डैश को भी, बी से डिस्टेंस नहीं अपन ए से ही ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? टी, टी क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो टी प्लस ए आई डैश ऐसे अगर मैंने लिखा इज इक्वल टू 1/μ लिखा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? और इनफैक्ट ए आई डैश को आप म्यू टाइम्स ए ओ लिख सकते हैं, ए आई डैश को आप म्यू टाइम्स ए ओ अगर लिख सकते हैं, तो लेट्स कंबाइन दिस एंड दिस, है ना, इस चीज़ को मैंने एक्सप्रेस पे ले जा रहा हूँ, तो टी प्लस ए आई, ध्यान देना, टी प्लस ए आई है ना इज इक्वल टू वॉट, और इसको म्यू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इस पूरी चीज़ को म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, इज इक्वल टू टी प्लस ए आई डैश, टी प्लस ए आई डैश को मैंने यार म्यू टाइम्स ए ओ लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? तो म्यू टाइम्स ए ओ अगर अपन ने लिखा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इनफैक्ट ए आई और ए ओ वाली टर्म्स को अपन साथ में ले लेते हैं, और यहाँ पे टी है ना, यहाँ पे अपन तो मैंने ऐसे किया है कि म्यू टाइम्स टी माइनस दिस टी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए ओ माइनस ए आई, ठीक है जी, ए ओ माइनस ए आई, ए ओ माइनस ए आई को अगर मैं डी लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? डी के लिए दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टाइम्स टी, बस एक छोटी सी डेरिवेशन फॉर डी, वे डी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय म्यू टाइम्स टी, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 1-1/μ टाइम्स टी ऐसे भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये लिखना आपको, या छोटा सा एक डेरिवेशन आपको आना चाहिए घर पे, ऐसी चीज़ है बच्चों, आप नोट्स कैसे बनाओगे पूछते हो कई बार, आपको ऐसी चीज़ें एक बार खुद से ट्राई करनी चाहिए। हाँ यार, क्लास में समझ में आ गया था, एक बार मैं खुद से दो सर्फेस पे रिफ्रैक्शन 1/1 नियर नॉर्मल को मानते हुए अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाया, और अगर ये फॉर्मूला आया है तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का क्या मतलब है बच्चों? कि आपके ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, फर्स्ट इमेज यहाँ बनी, सेकंड फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, तो कोई यहाँ से अगर देख रहा है आपको, यहाँ से देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसको शिफ्टेड दिखाई देगी टुवर्ड्स द स्लैब, स्लैब की तरफ अपने को शिफ्टेड दिखाई देती है चीज़ें, और अगर स्लैब की तरफ शिफ्टेड दिखाई दे रही है तो कितने डिस्टेंस से शिफ्टेड दिखाई दे रही है, उस डिस्टेंस को अपन नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं बच्चों। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ आपकी सिर्फ नियर नॉर्मल के लिए है ना एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को अगर आप स्लैब के थ्रू देख रहे हो एंड नियर नॉर्मल व्यूइंग कर रहे हो, नियर नॉर्मल व्यूइंग कल बताया था मैंने, तो नॉर्मल के आसपास ही अगर आप आंखों को रखते हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट आपकी शिफ्टेड दिखाई देगी बाय डी डिस्टेंस, दैट डी डिस्टेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और डी डिस्टेंस में टी जो है बच्चों है ना, या फिर ये फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो 1-1/μ टाइम्स टी, टी क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब जितना ज़्यादा होगा उसका आपको नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा दिखाई देगा, तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर टू द स्लैब, अपीयर्स क्लोजर टू द स्लैब, इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें। इनफैक्ट इस पे अपन क्वेश्चन कर लेते जल्दी से, इसका क्या मतलब है आप समझ जाओगे। लेट्स ट्राई दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको पता ही है कि अभी
मेन में भी आपको इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल इनपुट टाइप क्वेश्चंस आने लग गए हैं, और इन क्वेश्चंस का आपको प्लस 4 मिलेगा, लेकिन गलत किया तो कुछ नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा। चलो नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है, वो अच्छी बात है। तो अगर आप इस चीज़ को अभी सॉल्व करके कॉमेंट्स में लिखेंगे, आई विल अप्रिशिएट इट। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है इस सिचुएशन में। हर क्वेश्चन में बच्चों आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा मेन एडवांस में, पढ़ के समझ के आंसर करना है, ठीक है जी। पढ़ के और समझ के आंसर करना है। आपका जो फॉर्मूला है वो तो चलो D इज इक्वल टू 1 - 1/μ × T मैंने बोल दिया, आपको मालूम भी होगा, ये काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है, कई जगह हो चुका है। पर आपको अगर आपने आंसर लिखा है 1 - 1/μ मतलब 2/3, तो ये पूरी चीज़ आपको 1 cm आंसर देगी, लेकिन 1 इज नॉट द आंसर। सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 cm आंसर नहीं लिखना है भाई। आपने 1 अगर लिख दिया है तो गर्ल, है ना, जहाँ पे पक्के 4 नंबर थे वहाँ 0 मिल जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ के। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना एज सीन बाय द आई, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई देगा 1 cm से, यानी कि इस P से आपका ऑब्जेक्ट पी आई डिस्टेंस कितना पे आएगा, 3 cm पे आएगा। 3 इज द राइट आंसर। तो 3 इस तरह से आपको आंसर में लिखना होगा, वहां भी टेक्स्ट बॉक्स होगा, यहाँ पे भी कॉमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में बच्चे लिख रहे हैं। तो 3 इज द राइट आंसर बच्चों। और अगर आपको एक और कंसेप्ट मैं छोटा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, जिस पे बेस्ड इनफैक्ट आपका 12th बोर्ड का वो एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल्स किया है इसका आपने, तो कैसे लैटरली शिफ्ट हो जाती है। ये जो डायग्राम अपन ने बनाया था, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, और अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ओके, रेड यूज करता हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अगर आपने यहां पे पैरेलल, देखो रेक्टेंगुलर स्लैब में ये दोनों पैरेलल होने वाली है, तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा, मैंने पूछा, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। तो उस सिचुएशन में इंसिडेंस का एंगल यहाँ पे फिर से आई हो जाएगा। ये आपकी लाइट रे ऐसे बेंड होके ऐसे जा रही है, तो ऐसे बेंड होकर अगर ऐसे जा रही है तो उस केस में आपका ये लाइट रे, है ना, कितने से शिफ्ट हो गया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपको इस वाली डायग्राम में ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर आपका लाइट रे ए बी, अगर आपका लाइट रे यहाँ से ए पॉइंट पे इंसिडेंट होके ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे रिफ्रैक्ट कर गया, तो उस केस में मैं बोल रहा हूँ दिस एंगल इज सपोज सम आई, और ये वाला एंगल आर हो गया। और अगर यहाँ पे फिर से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला पूछ लिया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आर होगा। और फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस, इस चीज़ को फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस ऐसे भी बोलते हैं, ये एंगल फिर से आई होगा। दोनों जगह पर सेम ही स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बनेंगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फाइनल जो रे है आपकी वो इनिशियल रे से पैरेलल होगी। क्या पैरेलल होगी, कोई भी बोल सकता है यस, ये एंगल और ये एंगल सेम है तो पैरेलल है, बट वो पैरेलली कितने से शिफ्टेड है, लेट्स कॉल इट सम डेल्टा, और उस डेल्टा को अपन नॉर्म, है ना, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। एक था नॉर्मल शिफ्ट डी वाला, इस डेल्टा को लैटरल यानी पैरेलल शिफ्ट कितना हो जाएगा वो निकालते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट दैट, इनफैक्ट यूजिंग ज्योमेट्री ओनली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखना। सपोज मैंने ए पॉइंट से, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको एम बोला, और ए पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको एम डैश बोला। तो मैंने अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया, सपोज ए बी एम, इन द ट्राइंगल ए बी एम ये वाला एंगल आर है आपका, इन द ट्राइंगल ए बी एम, आप मुझे कॉस ऑफ आर निकाल के बताइए, कॉस ऑफ आर इन ट्राइंगल ए बी एम क्या हो जाएगा, क्या अपन निकाल सकते हैं। तो कॉस ऑफ आर अगर आपको समझ में आ रहा है, और ये चीज़ आपकी ए एम डिस्टेंस को मैंने टी बोल दिया, थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो टी डिवाइडेड बाय ए बी हो जाएगा, यस। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास, एक और इक्वेशन लिखते हैं जिसमें अपन ट्राइंगल ए बी एम डैश की बात करें, इन द ट्राइंगल ए बी एम डैश, मुझे पहले तो ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। कौन ये बता सकता है कि आपका एंगल ए बी एम डैश कितना होगा, लिखना जरूर कमेंट्स में। एंगल ए बी एम डैश इन द ट्राइंगल
ए बी एम डैश कितना होगा, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर आप यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको मालूम है कि ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल आई होगा बच्चों, ये एंगल आई है तो आपका ये वाला लाइन और ये नॉर्मल के बीच का एंगल टोटल एंगल भी आई होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर आर है तो क्या मैं इस एंगल को आई माइनस आर लिख सकता हूँ, यस आई माइनस आर लिख सकता हूँ। ये चीज़ों को आप आराम से देखिए, अपने एंड पे कोई भी दिक्कत आ जाए वहीं पे पॉज करके पीछे जाके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक बार में रेगुलरली आओगे तो एक एक बार में ही समझ में आएगा, इतना दिमाग का प्रोसेसिंग पावर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ए बी एम डैश एंगल आपका आई माइनस आर है, एंड देन टेल मी वॉट इज साइन ऑफ आई माइनस आर, वॉट इज साइन ऑफ आई माइनस आर। ए बी एम डैश में साइन वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, तो वो आपका डेल्टा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ए एम डैश को मैंने डेल्टा बोला, डिवाइडेड बाय ए बी हो जाएगा। तो ये वन और टू को अगर आप डिवाइड कर दोगे, आपका ए बी और ए बी उड़ जाएगा, वन और टू को आप डिवाइड कर दो। इनफैक्ट साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, डेल्टा का आपको फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इन टू टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो टी आपके इस स्लैब का थिकनेस है, और उसकी टर्म्स में और आई और आर की टर्म्स में अगर डेल्टा का ये फॉर्मूला है तो ये क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके बताओ कि क्या आंसर आता है। अनादर एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या आंसर आता है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा लैटरल शिफ्ट आपको निकालना है, सारी वैल्यूज इनफैक्ट आपको सामने दे रखी हैं। अगर आपको लगता है कि सर आई तो दे रखा है पर आर कैसे निकालेंगे, तो बच्चे स्नेल्स लॉ तो अपनी रेस्क्यू के लिए साइड में हमेशा स्नेल्स लॉ रहता ही है, आपका स्नेल्स लॉ सुपरमैन की तरह आ जाएगा, रेस्क्यू कर लेगा आपको, और आई थिंक सभी लोग इसको ओरली निकाल लेते बच्चे, यार 30 डिग्री है आर का वैल्यू, 30 डिग्री है आई का वैल्यू, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, और टी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30 बन रहा है ये तो, और उस केस में आपका ये आई थिंक 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 यानी कि बी आपने अगर लिखा है तो सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं मेन एग्जाम में, स्टेट के आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनअकैडमी जेई चैनल पे 5-10 मिनट जीवन का दे के लैटरल शिफ्ट अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकियों में 30 सेकेंड में कर लेंगे, और अगर आपको एक होमवर्क के तौर पर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ कि ये आपने लैटरल शिफ्ट तो निकाला, बट लैटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी इन अ केस वेयर आई इज टेंडिंग टू जीरो, आई इज टेंडिंग टू जीरो, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लोज टू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो में तो जीरो होगा बच्चों, एग्जैक्टली जीरो में आई इक्वल टू जीरो में तो डेल्टा जीरो होगा ऑफकोर्स, ये आपको इस एनिमेशन से समझ भी आ रहा है कि पाई बाई टू के केस में, एक तो पाई बाई टू जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है, और टेंडिंग टू जीरो के केस में क्या आपकी डेल्टा की वैल्यूज होंगी, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने अलग अलग केसेस बना के मैथमेटिक्स यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है। जो डेल्टा का फॉर्मूला फर्स्ट केस में आता है वो आपका वेरी सिमिलर टू द है ना आपका नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है उसी तरह का आता है, टी टाइम्स आई वन माइनस वन बाई म्यू, कैसे आता है क्या मैथ्स है इसके पीछे थोड़ा सा सोचना, और इनफैक्ट ये ज़्यादा काम का है अपना कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाई टू को टेंड कर रहा है तो उस केस में ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनफैक्ट दिस विल बी थीटा सी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा फिर से, और ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में आपका डेल्टा विल बी इक्वल टू टी, लैटरल शिफ्ट कितना हुआ भाई, कितना लैटरल शिफ्ट हो गया आपका, डेल्टा इज इक्वल टू टी। ये दो छोटे केसेस आप खुद ही एक बार समझ जाओगे, अगर देखो बच्चों आप सब चीज़ों के लिए किसी पे रिलाय हो जाओगे तो वो गड़बड़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ को डिस्कस करके छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि आप लोग है ना ये चीज़ बेसिक सी चीज़ है, प्रैक्टिकल में कई बार ये केसेस वन एंड टू यूज़ हो जाते हैं, तो दोनों केसेस में क्या फॉर्मूला बनता है देख लेना, मैथमेटिकली भी पाई बाई टू रख दो यार आई को, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें को साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ आज के सेशन में, फिर से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको प्रैक्टिस करना, उनके आंसर्स नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों, अगर आप प्लस को भी ट्राई करना अभी तक नहीं चालू किए हैं वहां पे एक 7-day ट्रायल चालू हो चुका है, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करना, ये ऑप्शन दिखना चाहिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन के नीचे 7-day ट्रायल वाला, अगर आपने
अपडेट किया है ऐप को तब दिखने लगेगा, या एंड्रॉयड ऐप में दिख रहा है ये चीज़। तो अगर आप उसने ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, काफ़ी बच्चे ट्राई करके ज्वाइन कर चुके हैं। इनफैक्ट दे बॉट द वन ईयर प्लान मोस्टली जो ड्रॉपर बच्चे हैं, और क्योंकि एडवांस तक की प्रिपरेशन करनी, समझ रहे हो, या इलेवंथ के बच्चों के लिए टू ईयर प्लान ज़्यादा रिकमेंडेड है। दोनों ही आपके जेई लाइव कोड से एनरोल करना, इस कोड से आपको ऑफ तो मिलेगा ही, साथ साथ हमारी टीम की गाइडेंस मेंटरशिप आपके साथ जब तक आप एक या दो साल तक हैं तब तक रहेगी आपके साथ। तो बच्चों, दिस इज वेयर आई लीव यू टुडे। इनफैक्ट हमारा एक ये जो मिशन चल रहा है जेई लाइव डेली, उसमें पहली बार अगर आप आए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाल बटन दिख रहा है यहाँ पे, उसको दबा देना है, और बेल आइकन साथ में दबा देना। इन सारे क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस क्विजेज में करवाता हूँ, तो वो आपको बेल आइकन दबाने पे क्विज की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हमारे मिशन को आप सपोर्ट करते हैं, ये तो लाइक तो कर ही दिया है, शेयर करना इन वीडियोस को, एंड फेसबुक पे अगर आप शेयर करते हो मुझे टैग भी कर सकते हो उसमें। अभी इस नोट्स के डिस्क्रिप्शन आपको है ना मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। और यस, आप टेलीग्राम ऐप पे भी अगर नहीं आए, हमसे जुड़े नहीं हैं वहाँ पे, टेलीग्राम की एक ऐप है फ़ोन पे, आप उसको डाउनलोड करिए। ये एक URL, ये एक एड्रेस आप अपने क्रोम में एंटर करना, तो उससे आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और बच्चों, आपको बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में फिर से फ्राइडे को मैं आऊँगा, लेक्चर लूँगा, लेकिन तब तक गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। काफ़ी प्रैक्टिस करने वाला इंसान ही सफल होता है, इतनी सी बात है। तो आपको मैं कई बार क्लासेस में बहुत सारे है ना प्रैक्टिस कर, आज तो कंसेप्चुअल थोड़ी क्लास हो गई, बट आपको पता ही है कैसे दो दिनों से भरसक प्रैक्टिस भी कर रहे थे अपन सेशंस में। तो आप अपने एंड पे पूरी प्रैक्टिस करते रहिए और इन लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को, सभी को बताइए। और यस, अगर प्लस ट्राई कर रहे हो तो ये कोड से एनरोल करिए। और एवरीवन, जस्ट टेक केयर, हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बाय, टेक केयर।